करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण न विचारो कोई, मट्टी का क्या तोपे स्वामी, मानस की गत ही कोट पराद हमारे खंडो, अनेक विधि समझावो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी, हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन विरद रखावो, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सोहिले, रखो रखन हार दयाला, नानक कर के गोले, सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठाए, सजंत भये हरियावले, जिन्हें मेरा सतगुर देख्या जाए, धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुरु जने माए, परम सन्मानी योग जुगो जुग टल चबर शत्र तख दे मालिक, धन धनाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहेब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डे भागां वाले हो, जिन्हां नूं जिंदगी विच एक बार फिर अठवें पातशाह बाला प्रीतम अष्टम बलवीरा धन धन सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज सच्चे पातशाह जिया का पावन पवित्र प्रकाश पुरब मनाउण दा सुभाग प्राप्त होया। नौवें गुरदेव सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जिया के पावन पवित्र स्थान पर सतगुरु जिया ने आप कृपा बख्शिश करके
उद्यम मत और प्रेरणा आप समूह संगतां नूं प्रबंधकां नूं और इस सोसाइटी के समूह मैंबरां नूं बख्शिश की है। सतगुरु जी का कोटान कोट शुक्र शुक्र शुकराना है जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी आपां सारयां तों हाजरी लै रहे हैं, क्योंकि साध संगत मनुख दे वस दी गल नहीं, वह धर्म का कोई कर्म कर सके, सतगुर की दया दृष्टि होवे तां तुसीं कर सकते हो। पातशाह ने बाणी अंदर बचन कहा, शरीर एक साज है, तुसीं कीर्तन सुनिया हारमोनीयम दे राही, दुनिया के तमाम राग सत सुरां विच बंद हो जाते हैं, जिन्हें भी राग ने वह सत सुरां विच भरे ने, पर सात संगत तो साज विच्चों राग उइयो बाहर वजदा है जिहड़ा बजाउण वाला बजाउंदा है, नहीं तो साज तो चुप पिया। इदां शरीर एक साज है, जिन्नी देर करता पुरख सतगुरु नदर दृष्टि करके इहदे कोलों कर्म ना करावे, यह शरीर धर्म का कर्म नहीं कर सकता। साहब ने बचन कहे, उद्यम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यों प्रेरे त्यों करना, ज्यों नटुआ तंत बजाए, तंती त्यों बाजै जंत जना। सतगुरु जी का शुकराना, उन्हें साडे शरीर रूपी साज तो धर्म का राग कढ़ा रहा है, धर्म के कर्म करा रहा है, क्योंकि यह शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की बिच जोत गोहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कढ़े खोत। सतगुर की नदर दृष्टि होई है। आओ गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी की वड्याई विच अपनी सुरत जोड़िए, कोई भी रसना बंझी ना रवे, एक बार लवाओ हाजरी ते असीस बख्शो, दोवे हाथ जोड़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया नूं सीस झुका के आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गज के आख्या करो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस धरती ते तुसीं बैठे हो साध संगत, एक विद्वान लिखदा है, सदियां पहला इस चौंक का नाम चांदनी चौंक सी, कागजां विच ते अज भी है। और साध संगत ये चौंक पता क्यों मशहूर सी, बिल्कुल शाही किले दे सामने ये चौंक है, मेरे नालों वध तुहानूं पता है, इतिहास में सदियां पहला ये चौंक इसलिए मशहूर सी कि सरकारी खर्च उत्ते इस जगह उत्ते साध संगत देसी घिओ दे दीपक जगदे सन, ये चौंक चन्नण नाल भरिया हुंदा सी, चार सवेरे मशालां जगदियां सन, शाही लोग राजे राणियां इस चौंक में सैर करदे सन। पर साध संगत सदियां पहला ये चौंक दीव्यां दी चाननी करके मशहूर सी, वो दीवे भी कदों दे बुझ गए, वो दीवे जगाउण वाले लोग कदों दा उन्हां दा नाम इस धरती तो मर मिट गया। पर साध संगत जे एक चौंक सदीवी काल वास्ते सदा वास्ते अमर होया, जे इस चौंक की मशहूरी ते इस चौंक की वड्याई सदा वास्ते होई है, ये हुण दीव्यां दी चाननी करके नहीं, साध संगत ये धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहादत करके। दुनिया में इस तरह दियां लखां जगह बनिया ने, राजियां दे मरण तो बाद वो किले खंडर हो गए, राजियां दे जान तो बाद उन्हां मेलां नूं किसे नहीं पुछया, पर साध संगत ये धरती सदा वास्ते अमर ते चानण नाल भर गई। क्यों? इस धरती ते धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज और सतगुर के तीन प्यारे सिखा ने शहादत का जाम पीता है। कदे वो दीवे जेडे कल्ले देसी तेल जां घिओ नाल जगदे सन, पलों बाद साध संगत रात विच वो तेल मुक जाना, दीवे बुझ जाने, ये चौंक फिर हनेरे नाल भर जाना। पर जदों दा धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने शहादत दे के आप और अपने सिखां दी रत इस धरती ते पाई है, सदीवी काल सदियां गुजर गई ने, सदियां गुजर जाणगियां, इस धरती का चानण कदे घट नहीं होएगा। वो विद्वान लिखदा है,
कहिंदा दिल्ली दे अज भी चांदनी चौंक अंदर लोकी रोज उहदियां गल्लां विच रुझ जांदे, पर जदों तेग बहादुर दा नां आउंदा दीवे चांदनी चौंक दे बुझ जांदे। धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज की वडियाई करके इस धरती नूं नमस्कार है। सात संगत सतगुरु दे दर ते तुसीं जुड़ बैठे हो। जिहड़ी गल वीर जी तुहानूं कह रहे सन, इह गुरमत दा बड़ा संदेश है। गुरु नानक साहब महाराज के घर में ना सन्योटी है ना रिजर्वेशन है, दोवें चीज़ां रद्द कीतियां गई शुरू तो। सात संगत दुनिया के हर खिते विच हर जॉब उत्ते सन्योटी तो रिजर्वेशन काम करती है। पर माफ करो, मैं एक दिन दरबार साहब तो भी यह बेनती कही, बंदा अपनी अकल समझ या अकैडमिक एजुकेशन के नाल तुसीं दुनिया की व्याख्या कर सकते हो, संसार के ज्ञान की गल कर सकते हो, पर सात संगत गुरु की व्याख्या दुनिया के ज्ञान नाल नहीं हो सकती। गुरु की व्याख्या अकैडमिक एजुकेशन नाल हो नहीं सकती। जे तुसीं बाहरी ज्ञान नाल कहोगे गुरु की व्याख्या करनी है तो व्याख्या हो नहीं सकेगी। व्याख्या उस चीज़ की होंदी है सात संगत जिहड़ी चीज़ सीमा विच बजी हो। तुहाडा शहर सीमा विच है, जमुना टप जाओ इलाका होर शुरू हो जाता है, बाहरला आ गाजीपुर वड टप्पो ये स्टेट होर शुरू हो जाती है। ये जगह सीमा विच है, इहदी व्याख्या की जा सकती है। इत्थे किन्ने लखां लोग रहिंदे ने, किन्ने पेट्रोल पंप ने, किन्ने कॉलेज, किन्ने स्कूल, किन्ने हॉस्पिटल ने। शहर की व्याख्या हो सकती है, देश की व्याख्या हो सकती है, दुनिया की व्याख्या की जा सकती है, पर सात संगत गुरु की व्याख्या नहीं हो सकती। क्यों? गुरु सीमा विच नहीं, गुरु असीम है। जिहड़ी चीज़ असीम हो जाए उहदी सात संगत व्याख्या नहीं सिर्फ वडियाई की जा सकती। पातशाह ने बचन कहे, दुनिया के लोगों नाम की व्याख्या नहीं, नाम की रब के नाम की सिर्फ वडियाई होंदी है। गुरु की व्याख्या नहीं, गुरु की सिर्फ वडियाई की जा सकती है। नाम जपन वाले संत की व्याख्या नहीं, संत की सिर्फ ते सिर्फ वडियाई हो सकती है, क्योंकि दुनिया में नदियां दरिया वगदे ने, दरियावां ते नदियां की व्याख्या होंदी है, उहदा नाम रखा जाता है। आ जमुना है, आ गंगा, आ सरस्वती, गोदावरी, दरियावां की व्याख्या, ये व्यास है, सतलुज है। सात संगत नदियां की व्याख्या हो सकती है, दरियावां की व्याख्या हो सकती, क्यों? वह सीमा विच है भाई, अगे जाके सीमा मुक जाती है, वह किसी बंधन विच है। पर माफ करो, जदों वह नदियां नालियां दरियावां का जल जाके किसी समुंदर विच मिल जाता है, सागर की व्याख्या नहीं। उहनूं कदे नहीं कहिंदे ये गंगा जमुना सरस्वती का पानी है, उहनूं इक्को कहिंदे ने ये सागर का पानी है। इदां सात संगत दुनिया विच सीमा विच चलण वालियां दी व्याख्या हो सकती है, असीम हो जाए उहदी कोई व्याख्या नहीं है। साहब ने जपजी साहब अंदर कहा, तुहानूं बचन याद है जिथे हजूर कहिंदे साला ही साला, पढ़ो एक बार, साला ही साला इती सुरतन नदियां अतै वाह पवे समुंद ना जानी है। जदों वह नदियां दरिया समुंदर विच पै जाण, सात संगत उन्हां दी व्याख्या नहीं, फिर वडियाई हुंदी है। क्यों? वह असीम हो गए। इदां गुरु की व्याख्या वारी अकैडमिक एजुकेशन नाल हो नहीं सकती। जिहड़ी चीज़ नूं दुनिया कहिंदी है इंपोसीबल, गुरु उहनूं पॉसीबल करके विखा दिंदा। जिहनूं दुनिया की मैडिकल साइंस कहेगी ये हो नहीं सकता, उहनूं गुरु करके विखा दिंदा। इहदी व्याख्या बाहरी ज्ञान नाल नहीं हो सकती कि पिंगल पर्वत पार परे खल चत्र वकीता अंधले तिर भवन सुझिया गुर भेट पुनीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता मैल खोई कोट अगहरे निर्मल भय चीता। पिंगले नूं पर्वत बचाउण उत्ते दुनिया की व्याख्या कदे नहीं हो सकेगी। संसार के लोग कहणगे पिंगला बंदा पर्वत किवें चढ़ जाएगा, अन्ना बंदा किवें वेख सकदा, गुंगा बंदा किवें बोल सकदा। सात संगत जिहनूं रब गुंगा करदा है उहनूं दुनिया की कोई मैडिकल साइंस नहीं बुला सकती। पर माफ करो, जे कोई गुंगिया नूं बुला के अर्थ करा सकदा वह मेरे गुरु विच बल है। गुरु चाहे तो गुंगिया नूं बुला भी दिंदा ते अर्थ भी करा दिंदा। इसलिए सात संगत गुरु की वडियाई की जा सकती है, व्याख्या नहीं। जिहड़ी चीज़ तुसीं सुनी है वीर जी दे पास, सन्योटी ते रिजर्वेशन रद्द है गुरु दे घर। इत्थे ना कोई सन्योटी ना कोई रिजर्वेशन,
जिन्हों आप संसार का ज्ञान कहने तुम पढ़े लिखे बैठे हो। इस दुनिया के अंदर बंदा किन्ना भी पढ़िया लिखा हो गया, किसी बच्चे का किन्ना भी शार्प माइंड वह दिमाग किन्ना तेज हो, पर साध संगत तुहाडा कानून कहिंदा है 18 साल तो उम्र घट होवे उहनूं कोई जॉब नहीं दित्ती जा सकती। 18 साल तो उम्र घट है उहनूं वोट का कोई अधिकार नहीं। 18 साल तो उम्र घट है कोई लख कवे पुलिस वालियां नूं जी ये ड्राइव बहुत सोहनी करदा है, इहनूं ड्राइविंग चंगी तरह आउंदी है, वह कहणगे नहीं उम्र घट है लाइसेंस नहीं बन सकता। 18 साल तो उम्र घट है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। 18 साल तो उम्र घट है मैरिज विआह शादी गैर कानूनी है। 18 साल तो उम्र घट है वोट पाउण दा अधिकार नहीं। 18 साल तो उम्र घट है किसी जॉब अहुदे उत्ते निश्चित नहीं किया जा सकता। ये दुनिया का ज्ञान है, पर मेरे गुरु के घर की व्याख्या किवें करोगे? इत्थे 5 साल की उम्र में भी धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज गुरु ने, इसलिए सात संगत यदि की व्याख्या करोंगे? 5 साल की उम्र में गुरु किवें हो सकता है? संसार के लोग सवाल करनगे, दुनिया का कानून है 18 साल तो उम्र घट है किसी अहदे पर बिठाया नहीं जा सकता, पर गुरु के घर की वडियाई वक्री है। इत्थे 5 साल की उम्र में भी गुरु है। इत्थे 5 साल की उम्र में कोई भगत हो सकता है? 5 वर्ख को अनाथ ध्रुव बारिक हर सिमरत अमर अटारे। 5 साल की उम्र में ध्रुव भगत है, अमर ते अटल पदवी नूं पहुंच गए। 8 साल की उम्र में प्रहलाद भगत है, जिहदा नाम गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च आया, हर जुग जुग भगतो पाया पहज रखदा आया राम राजे हरनाक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। इतिहास पढ़ के वेख्यो 8 साल की उम्र है, 8 साल की उम्र में प्रहलाद भगत है। 5 साल की उम्र में अटल पदवी ध्रुव नूं मिली। 5 साल की उम्र में धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज गुरु बने। इत्थे ही बस नहीं, 7 ते 9 साल की उम्र में कलगीधर दशमेश पिता पातशाह के साहबजादे साध संगत शहादत का जाम पी गए, शहीद अखवाए ने। आप कई बार कहने निक्कियां जिंदा वड्डे सके। मैं एक दिन दरबार साहब तो कहा ये असं बना लिया साध संगत, वो जिंदा निक्कियां नहीं सन। 7 साल की उम्र में शहादत का जाम पीना इन्ना असह कष्ट सारना, वह जिंद निकी नहीं हो सकती, वह जिंदा भी बहुत वड्डियां सन। साध संगत शरीरक उम्र छोटी हो सकती है, जिंद छोटी नहीं। खैर हुण जिहड़ी गल मैं तुहाडे समक्ष रखनी, सन्योटी ते रिजर्वेशन दोवें रद्द ने। इत्थे ये नहीं कि उम्र छोटी है, दूजा पक्ष वेखो जिहड़ा वीर जी ने कहा वह की है, तुसीं किन्ने भी पढ़े लिखे इंटैलीजेंट हो दिमाग कम करदा, गवर्नमेंट कहिंदी है उम्र 60 साल की हो गई बंदा रिटायर कर दिओ। 60 साल की उम्र है जॉब तो रिटायर कर दिओ। 60 साल की उम्र है ये जॉब करन दे लायक नहीं, और माफ करियो वो बंदा बिल्कुल सही सलामत भी होवे गवर्नमेंट उन्हें रिटायरमेंट दे दिंदी है। दूजे पासे वेख्यो जेडे समाज में आपां रहिंदे आ 60 साल की उम्र हो जाए लोग बुढ़ा कहन लग पैंदे ने। साहब ने कहा समाज के पक्ष तो कि दुनिया के लोगों 60 साल का बंदा दुनिया बुढ़ा हो जाता है, समाज कहिंदा बंदा बुढ़ा हो गया। 40 पुर होए 85 पग खिसे 60 के बुढ़ेपा आवे, ते जे उम्र 70 साल की हो जाए ना फिर तो घर वाले भी कह लग पैंदे आ मतहीण है, किसी काम में कम कवे काका की गल कर दे बापू तुम बैठे रहो तुहानू नहीं पता। जिहड़े बंदे ने इन्ने कम किते होण 70 साल की उम्र में कहिंदे ने बीबी तू ना विच बोलिया कर, ममा तुहानू नहीं पता तुसी चुप रहो। देखो साध संगत जिहड़े बंदे ने घर बनाया कम किते तरक्की की जॉबां कीतियां इन्ना कोई बनाया घर लई 70 साल का हो जाए उहदी औलाद पुत पोते कहन लग पैंदे ने पापा तुहानू नहीं पता तुसी चुप रहो। संसार कहिंदा 70 का मतहीन 80 का व्यवहार ना पावे। संसार के लोग 60 साल तो बाद रिटायर कर देंगे ने, पर गुरु के घर की व्याख्या करोंगे? इत्थे सिर्फ वड्याई हो सकती है। इत्थे 60 साल की उम्र में धन बाबा अमरदास साहब आके सिखी धारण करते ने। 12 साल गुरु के घर गगट हुई, जिहड़ी उम्र में लोग कहिंदे 70 का मतहीन 72 साल की उम्र में धन गुरु अमरदास महाराज गुरतक गद्दी ते विराजमान हुए। और साध संगत फिर 72 साल की उम्र तो लैके 2, 4, 6, 10 साल नहीं, इतिहास पढ़ो 22 साल गुरु अमरदास महाराज गुरतक गद्दी ते रहे। 94 साल की उम्र तक धन गुरु अमरदास महाराज गुरतक गद्दी ते रहे। गुरु के घर की व्याख्या नहीं हो सकती, सिर्फ वड्याई की जा सकती। इत्थे 90 साल की उम्र में लोग कहिंदे ने हुण ते बंदे दीआं कबरां विच लत्त है,
90 साल के बंदे नूं कौन पुछदा है, पर गुरु दे घर दी की वडियाई करोंगे सजणों। इत्थे गुरमुख बुढ़े कदे नहीं जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान। इतिहास पढ़ो, 98 साल की उम्र है, 98 ईयर, 98 साल उम्र बाबा बुढ़ा साहब हरिमंदर साहब के ग्रंथी थप्पे जाते हैं। इस तो वड्डी होर की व्याख्या हो सकती। 98 साल की उम्र में गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा, बाबा बुढ़ा साहब तुसी दरबार साहब गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सेवा संभाल ली, ग्रंथी हैड ग्रंथी मुख ग्रंथी की सेवा साध संगत बाबा बुढ़ा साहब नूं सौंपी। उन्हें हाथ जोड़ के कहा, महाराज किसी पढ़े लिखे नूं सेवा दिओ ना। देखो आप कहने बंदा पढ़िया लिखा होना चाहिए, ये बंदे की की क्वालिफिकेशन है, अकैडमिक एजुकेशन की है, ये ठीक है, बाहरिया जॉबा लिए चाहिए है, डिग्रिया की लोड़ बाहर चाहिए है, पर गुरु घर डिग्रिया की जरूरत नहीं। पढ़िया लिखा होना चाहिए पर गुरु की पढ़ाई बिल्कुल दुनिया तो वक्री है। बाबा बुढ़ा साहब ने कहा जी, किसी सिख की ड्यूटी लाओ जेडे कंछी पढ़ के आए। महाराज तुम कंछी पढ़न कले से, तोड़े सिख भाई गुरदास साहब वर्गे होर गुरु के सिख कंछी पढ़ के आए ने, संस्कृत जानते हैं, पढ़िया लिखिया ये सेवा दो। मैं तो बुढ़ा महाराज पशुओं को घा खोद के पाउण वाला, महाराज मैनू ये सेवा क्यों? सतगुरु एको बचन कहा, बाबा बुढ़ा साहब ये बाणी भी उन्हों की है जिन्होंने दसा नौहां की काल किरत कमाई की है। बाबा बुढ़ा साहब मैनू बाहरी अखरां का ज्ञानी नहीं चाहिए, मैनू वह विद्या चाहिए है जिहड़ी 12 साल की उम्र में विद्या वेख के तुहानू गुरु नानक साहब महाराज ने कहता सी, बूढ़िया तू बूढ़ा नहीं हो, तू बुढ़ा है। 12 साल की उम्र में बुढ़े का खिताब मिले, वह विद्या गुरु के घर परवान ने। इत्थे साध संगत गुरमुख बुढ़े कदे ना। हुण दूजा पक्ष सुनियो, मैं इतिहास विचों कहण, सन्योरिटी ते रिजर्वेशन बिल्कुल कंडेम किया साहब ने। जे गल इत्थे सन्योरिटी की होंगी तो साध संगत करतारपुर साहब की धरती श्री गुरु नानक साहब महाराज के कोल सीनियर बंदे पे ने जिन्हां नूं साध संगत 22-24 साल हो गए सेवा करदे। गुरु नानक साहब महाराज ने गुरता गद्दी नहीं दिती, इत्थे कोई सन्योरिटी नहीं, इत्थे 22 साल सेवा करन वाला संगत विच बैठा है ते 7 साल सेवा करन वाले लैणे नूं गुरु अंगद साहब महाराज बना दिता। साध संगत की कहोगे, इत्थे सिर्फ अंदर दी सेवा, कोई व्याख्या नहीं, इत्थे वडियाई की जाती है। 22-25 साल सेवा निभाउण वाले संगत विच ने ते 7 साल सेवा करन वाले नूं तखत ते बिठा दिता। इत्थे कोई रिजर्वेशन नहीं, जे गल रिजर्वेशन की होंगी तां गुरु नानक साहब महाराज तो बाद बाबा श्री चंद साहब गुरता गद्दी ते बैठे, गुरु अंगद देव महाराज तो बाद उन्हां दे सपुत्र भाई दातू गद्दी ते बैठ, श्री गुरु अमरदास महाराज तो बाद उन्हां दे पुत्र बाबा मोहन बाबा मोहरी गुरता गद्दी ते बैंदे। इत्थे कोई रिजर्वेशन नहीं, इत्थे गुरु की सेवा सेवक नूं मिल जाती है। साध संगत इस घर विच दावा नहीं कोई, मैनू इन्ने साल हो गए हुण ओदा दिओ, पता नहीं गुरु ने किहड़े कोलों सेवा लै लैणी है। ये तो जितों सेवा सतगुरु लै रहे ने, सिख नूं समझना पएगा दाता ये तेरा तरस तेरी कृपा तेरी मेहरामत है, जे तुहाडा नज़र दा मेहर दा हथ है तां सेवा हो रही है। महाराज तुसीं हथ चुक लिया सी, कित्थों सेवा कर लांगे। एक पंक्ति मैं तुहाडे समक्ष कहनी है, तुसीं रोज़ बाणी पढ़दे हो, सतगुरों बाहरी तौर पर तीर्थ की वडियाई की है, कोई निंदिया नहीं, असीं कई बार निंदण लग पैंदे आ। जे साध संगत तुसीं किसे दे तीर्थ नूं निंदोगे, कल नूं तुहाडे तीर्थां ते वी सवाल खड़ा होना है, वो तुहानूं वी कहणगे, भाई तुसीं क्यों दरबार साहिब इशनान करदे हो जी, तुसीं जल खूह दा क्यों सत्कार नाल लैंदे हो? इसलिए ये चीज़ां तुहानूं समझण बुझण की जरूरत है। गुरु ने सानूं निंदिया तों वरजे। खैर पातशाह ने कहा, भाई बाहरी तीर्थ ते कोई इशनान करे पर उहदा अंदर दा हिरदा इशनान ना होवे, अंदर दा मन दा इशनान ना होवे, सुरती दा इशनान ना होवे, तां शरीर दा इशनान ऐ है जिवें किसी पानी में डड्डियां मछियां 24 घंटे रहिंदियां, किहड़ा मुक्त हो जांदी। जल के मज्जन जे गत होवे, नित नित मेंढुक नहावे, जैसे मेंढुक तैसे ओए नर फिर जोनी आवे। फिर साहब ने कहा, बाहरले तीर्थ ते आउण वालिया, मैं तेनू तीर्थ की निंदा करके हटावगा नहीं, आ तू बाहरी सरोवर ते सिखा आया, पहला इशनान कर, पर शरीर का इशनान करके मुड़ ना जाई, अगे 10 कदम बधी, गुरु तेरी सुरत का इशनान कराएगा। सिखा कल्ला पानी नाल इशनान करके ना मुड़ जाई,
अगे 10 कदम आई उस सरोवर तो अगे हरिमंदर शुरू हुंदे जिथे सिख दी सुरत दा गुरु बाणी नाल इशनान कराउंदे। जिद्दन सिख सुरती करके बाणी नाल जुड़न लगदे उद्दन साहब ने कहा सुरती दा इशनान हो गया, हुण उहदी निशानी की है जी? शरीर दा इशनान होया तुसी स्वस्थ महसूस करदे हो, थकावट लथ जांदी है, चेहरा साफ हो जांदा है, सुरती दा इशनान है, उहदी की निशानी है? आ हुण सुणियो तुहाडे कम आएगा। सुरती दा इशनान बाणी विच होण लग जाए उहदी इक्को ही निशानी है, सेवा करन वाला बाणी पढ़न वाला सिख 24 घंटे 24 आवर कर्म करदिआं गुरु नूं अंदरों कहण लग पैंदा है दाता जे तूं परोपकार ना करें मैं नाम नहीं जप सकदा, जे तूं परोपकार ना करें मैं चल के नहीं आ सकदा। गुरु ने तंदुरुस्ती दित्ती तुसीं इत्थों तक चल के आए हो, जे तंदुरुस्ती ना दे किवें आ जांगे आपां? सिख 24 घंटे शुकराने विच रहण लग पैंदा है, इहनूं कहिंदे सुरती दा इशनान। जदों शुकराना करना भुल जाए समझो तुहाडी सुरती दा इशनान नहीं हो रहा, जदों 24 घंटे शुकर निकल लग जाए तुसीं सुरती दा भी इशनान कर लिया। किते लिखिया होया आ पंक्ति पढ़ो, तुसीं पढ़दे रहिंदे हो, जिथे साहब कहिंदे ने सुनिया मन्निया, पढ़ो सुनिया मन्निया मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ। अंतरगत तीर्थ सुरती दा इशनान हो गया, की निशानी है? सिख 24 घंटे शुकराने विच कहण लग पैंदा है सब गुण तेरे मैं नाही कोए, आखो सब गुण मैं नाही कोए, बिन गुण कीते भगत ना होए। जे तुसी दया ना करो असी कादी भगती कर लैणी, जे तुहाडी कृपा ना होवे किवें इत्थे सीसगंज साहिब चल के आ जाओगे? साध संगत मैनू माफ़ करियो, ये गुरु की नज़र तो बगैर नहीं हो सकता। 24 घंटे गुरु नाल वरतदा, एवें थोड़ी लिख के दिता है दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बेपुते। असी 3 बजे साध संगत चले दिल्ली नूं अज, हुण तुसीं टाइम वेखो जो नैविगेशन भरिया है वह 9:55 10 बजे का टाइम दसदा, इन्ना रश इन्नी ट्रैफिक सब कुछ है। ये गुरु नूं फिक्र है, जिहड़ा नैविगेशन कहिंदा सी 10 बजे तो पहला सीसगंज पहुँच नहीं सकते, ये गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की नज़र है। साध संगत 8:55 गुरु ने पहुँचा दिता। ये तो कल्ला बाहरी रस्ते ने ना जिन्हों गुरु साफ करने, तो दुनियावी रस्ते ने वो सिखो याद रखियो, सिख भावना ते प्रेम नाल गुरु नूं सिमर के वेखे जाओ ये सिख आलोक दे रस्ते तो कुछ भी नहीं, गुरु तो तेरे परलोक दे रस्ते भी सीधे कर देगा। बस अंदर भावना चाहिए, 24 घंटे सिख शुकराने विच रवे उहदी सुरती दा इशनान हुंदा है, वो हर वक्त कहिंदा रवे सब गुण तेरे मैं नाही कोए, बिन गुण कीते भगत ना हो। एक बार मेरा मन कर दे तुसी प्यार विच आके कहो सारे सब गुण तेरे मैं नाही कोए, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, सब गुण मैं नाही कोए, सब गुण बिन गुण कीते भगत न होए, बिन गुण कीते भगत न होए, बिन गुण कीते भगत न होए, बिन गुण जी सब गुण तेरे मैं नाही कोए, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, सब गुण मैं नाही कोए, सब गुण
सिख फिर सुरती करके कहिंदा करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही नानक तिस बलिहारणे जल थल मैयल सोए। थोड़े मिनट होर ध्यान नाल टिक के सुनियो। दसवें पातशाह ने पंक्ति कही गुरु हरकृष्ण साहब महाराज की वड्याई विच अरदास विच कहिंदे श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। दो गल्लां कहियां ने, एक देखना डिठे ते दूजा सुनना ध्याना। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी का सुखमणी साहब का एक पद है, उहदी व्याख्या मैं पढ़ रहा सी। उहदे विच महाराज ने कहा पंज तरीके ने सिखा तेरी सुरत पवित्र हो जाएगी, तू गुरु का रूप होण लग जाएगा, तेरा जन्म सफल हो जाएगा और तैनू गुरु इस मानस देह विच रहिंदिआं संत बना देगा। पहला तरीका उहदे विच साहब ने कहा गुरु के दर्शन करिआ कर, दिन विच एक वार सवेरे शाम वक्त कढे, ये सिख नूं गुरु का हुक्म है एक बार गुरु के दर्शन जरूर करे। तुसीं वैसे श्लोक रोज़ पढ़ते रहिंदे हो, चार कर्म पातशाह ने कंपलसरी किया सिख लई। श्लोक महला पंजवां अंतर गुर आराधना, घर बैठे भी कर सकते हो, दुकान पर भी कर सकते हो। दूजा अंतर गुर आराधना जीवा जप गुर नाओ, जीव नाल वाहिगुरु कहना, ड्राइव करदे कही जाओ, गुरुद्वारे आने की लोड़ नहीं। पर जिहड़े अगले दो कर्म ने वो कम करने लई तुहानू गुरुद्वारे आना ही पएगा। अंतर गुर आराधना जीवा जप गुर नाओ, ये घर विच रहिंदे आ, जॉब ते रहिंदे आ, दुकान ते बैठे आ, ड्राइव करदे आ, हो सकदा अगला कर्म। साहब कहिंदे नेत्री सतगुर पिखणा श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख, नेत्री सतगुर पिखणा श्रवणी सुनना। हुण तुसीं दोवें कर्म नहीं चारे इकट्ठे कर रहे हो, गुरु के दर्शन भी, कन्नां नाल गुरु का उपदेश भी, जिभां नाल जप भी रहे हो, ते अंदरों अंतर ध्यान भी कह रहे हैं सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुरों पहला बचन कहा सफल दर्शन, गुरु का दर्शन सफल है भाई, फल देने वाला है, व्यर्थ नहीं जाना, तू गुरु के दर्शन करके जाई तेनू फल जरूर मिलना। सफल दर्शन पेखत पुनीत जिस डिठे सब दुख जाए, पेखत पुनीत तू पवित्र होण लग पैना। सफल दर्शन पेखत पुनीत भेटत, जे तू गुरु नूं मिल जाए, भेटत का अर्थ है संगत में जुड़ना, परसन का अर्थ है संगत में जुड़ के बाणी पढ़नी। पढ़ो बचन तुहानू याद है, सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे, तेरी पहुँच दरगाह तक हो जानी। पार ब्रह्म की दरगाह गवे सुन कर बचन करने आघाने, मन संतोखा तम पतियाने पूरा गुर अखियो जाका मंत्र। पंजवीं चीज है गुरु ने जे खुश होके तेनू मंत्र देता अपना, जे वो मंत्र गुरु ने बख्श दिता भाई इको दृष्टि गुरु की पैण की देर है पूरा गुर अखियो। अखियो का अर्थ होंगे जेड़ा नाश नहीं होंगे, अखियो गुर मंत्र ते फिर अमृत दृष्ट पिखे होए संत। इको दृष्टि गुरु की पैणी है, तू संत हो जाना है, तेरी बिरती पुनीत हो जानी है। अठवें पातशाह धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज सतगुर के दर्शन ले संगत बड़े उमा ते चाह नाल लाहौर तो चली दर्शन करन श्री कीर्तपुर साहब आना सी। ते साध संगत रस्ते विच एक चोर बंदा संगत विच रल गया। हुण चोर दे कड़ा मत्थे ते लिखे चोर है, वह संगत विच रलिया एक बिरती लैके। इतिहास कहिंदा उहदे मन विच सी जिथे मौका मिलिया किसे दा परस कढ़ के जां किसे दी गठड़ी फरोल के जो मिलिया निकल जाणा है। उहदे कर्म चंगे उहदे भाग चंगे उहनू मौका ही नहीं मिलिया चोरी दा। रब का शुकराना करो तुहानू जिंदगी विच माड़ा कर्म करन दा मौका ही ना मिले। ये गुरु नू कहना पैंदा दाता जो कम भावे सोई कराई, जो ना भावे
वो चित्त विच बिना लिया कराई ना वो गुरु रुकावट पा दिंदा है। ये तो गुरु के हाथ है ना, मौका मिल जाए बंदा बेईमान होने तो रह नहीं सकता, मन का कोई यकीन नहीं। डोले ना डोले लखां ते ना डोले, जिदन डोलन दे आउंदा है उदन कखां ते डोल जांदा। इसलिए गुरु अगे अरदास करनी, उहदे भाग चंगे उहनूं मौका ही नहीं मिलिया, दिन लंघ गया मौका ना बनिया, शामां पईआं रहरास दा पाठ संगत विच्चों सुणिया, हुण संगत दा असर होना सुभावक सी, बाणी कन्नां विच पैंदी रही, उह चोर बन के नाल तुरिया रहा, रात मुक गई तां वी मौका ना मिलिया, दिन चढ़िया शिखर दुपहर तक कीरतपुर साहब पहुँच गया, पछतावा भी होया, एड्डी दूर भी आया, चोरी का मौका ना मिलिया, पर एक मन अंदरों खुश होकर कहिंदा है ये तो भी पंजी बंदे सी इत्थे तो सैकड़े घूमते ने, चलो हुण किसी ना किसी का तो बनी जाने ना, मैं किसी ना किसी के पैसे कढ़ के चीज चुरा के निकल जाने। गुरु ने दर का सिद्धांत रहा पहले पंगत ते पाछे संगत। इहदा कारण एक अज भी मैं लाइव तो कहा, ठीक है लोग वर्त रखते हैं रोजे रखते हैं धर्म की गल चंगी है, पर हकीकत यह है तुसी वर्त रख के वेख लो तुहाडी सुरत रब वल घट जाएगी, बंदे नू रोटी नचिते आएगी। इसलिए गुरु नू इस गल ना पातशाह ने बख्शिश कृपा की, साहब नू पता सी भुखे भगत ना कीजे भुखिया भगती नहीं होनी, कोई दूरों चल के आया पहला पंगत में जाके लंगर छक लै फिर संगत में इंतमान नाल बैठे उहदी सुरत जुड़ेगी। जदों पहले पंगत पाछे संगत संगत पहला आउंदियां लंगर छकन गई वो चोर भी नाल चला गया, जिमें संगत ने ऐ हाथ करके प्रशादा लिया दोवें हथों ने भी इस तरह लिया, पहली बार उन्हें पंगत में छकिया। संगत ने छकन तो पहला मस्तक नूं प्रशादा ला के कहा सतनाम श्री वाहिगुरु, उन्हें भी कहा हुण इन्हां चीज़ां का असर तो होना ही सी। गुरु का छकिया भोजन प्रशादा, छकन तो बाद संगत चल पई गुरु के दरबार वल, चोर भी नाल नाल हो तुरिया, रात पै गई अज तो मैं चोरी कर ही लैनी है। जदों वो चोर नाल तुर पिया संगत वल गया गुरु के दरबार में कदम रखन लगा, वो मन चो आवाज आई तू तो चोर है तेरा की कम है गुरु के कोल, तुहाडी जिंदगी का तजर्बा रहना है 5% भी मन सच्यार होवे ना माफ करो पूरा पूरा होना बहुत औखा है, ये तो गुरु ही नज़र दृष्टि करता है। 5-10% भी मन सच्यार होवे तजर्बा करके वेख्यो, जिहड़ा थोड़ी भी बाणी पढ़द एक जपजी साहब का भी पाठ करद जदों तुसी नितनेम करोगे जां गुरद्वारे आओगे ये तुहाडा तजर्बा रहना है। पिछले 24 घंटिया में जिहड़ा सब तो निखित काम किया तुहानूं चेते जरूर आना है आ मेरे तो गलती हुई है, जदों वो याद आवे ना को करम उदों गुरु नू रो के कह दिया करो दाता इच्चों तुंयों कढ़ सकदे ये कहना पैणा गुरु नू किते गणो असंख अवगण मेरिया ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरे आ। महाराज है तेरे जिदा ने मर्जी, वो नखिद कर्म चेते आता। चोर बड़िया गुरु दरबार में ते गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दरबार च पैर रख दिया, उहदे मन ने कहा तू तो चोर है तेरा की कम है गुरु को, मत्था ना टेकिया पिछे बह गया। कीर्तन चल रहा है पिछों उच्चा होके वेखदा मोहरे गुरु कौन है, चंदन की चौंकी तख्त उत्ते बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज विराजमान ने, इन्हें वेख्या इन्नी छोटी उम्र का गुरु, इन्नी छोटी उम्र का गुरु। अंदरों सवाल उठा जे पूरा गुरु है फिर अंतरजामी होना है, जे अंतरजामी है फिर गुरु नूं पता होना मैं चोर है, ये गुरु नाल गल्लां करन लग पिया। मैं एक दिन अगे भी ये बेनती लाइव तो कही सी दरबार साहब तो, वो भागां वालियां रूहां जिहड़ियां गुरु नाल संगत विच बह के लाइव हो जाण, नहीं तो बैठे तुसीं इत्थे हो तो सुरत किते होर गल्लां करदी। गुरु नाल सिद्धा लाइव हो जाणा, गुरु बोलदा सिक्खा तैनूं बुलाउणा आउणा चाहीदा, वो सुरत करके चोर गल्लां करदा है। जे गुरु अंतरजामी फिर तो जानता होना है, फिर तो गुरु नूं पता मैं चोर है, पिछों उच्चा होकर गुरु वल वेखद सीधा गुरु नाल गल्लां करद। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज भी उहदे नाल सीधे लाइव हो गए, वह सिखा तू गुरु नाल सीधा होके वेख गुरु तेरे वल सीधा हो जाता है। जदों वह चोर गुरु नाल गल्लां करे तो गुरु ने भी उधर हुण सुरत कर ली, जिमें कीर्तन का शब्द समाप्त होया बाला प्रीतम बड़ी मिठी आवाज़ बोले
सतगुरों की साढ़े पांच पौने को छे साल की उम्र है। बड़ी मिठी आवाज में गुरु हरकृष्ण साहब महाराज शब्द कीर्तन की समाप्ति तो बोले, सीधा उन्होंने ही बोलन लगे। पातशाह कहते भाई जे कोई चोर होवे, सात संगत जे कोई चोर होवे, चोर तो हिल गया, चोर तो मैं ही होया। हुण गुरु भी सीधा लाइव हो गया ना, उहदे साहब ने कहा सात संगत जे कोई चोर होवे, चोर दी जामनी, चोर दी हमी, चोर दी गरंटी, तां कोई लोक संसार समाज विच नहीं लैंदे। भाई दसो चोर दी हमी दरगाह विच कौन भरेगा? चोर तां शरीर पानी हो गया, अंदरों कहिंदा है ये ते गुरु अंतर जामी है, ये ते मेरे बारे के। फिर एक सवाल होर पैदा हो, जे मैनू ही कहिंदे ने मेरा नाम लैके कहण खां किन्ना नेड़े हो गया। श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज मिठी आवाज विच बोले, चोर की हम भरे ना कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। चोर तो पानी हो गया ना, चोर की हम भरे ना कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। सुन मन अंधे कुत्ते कूड़ियार, बिन बोले बुझे सच्यार। हुण चोर अंदरों बोलदा जे मैनू कहिंदे ने अखां नीवियां कर लईआं, नाले अंदरों कहिंदा फिर मेरा नाम लैके बोलण। उहदा नाम इतिहास विच आया जी, जसवंत राय। श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज वाला प्रीत सीधे संगत विच उहदे वल वेखदे, सब तो पिछे बैठा। जदों उन्हें सिर उच्चा करके गुरु वल वेख्या, अठवें प्रीतम धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज पातशाह प्यार नाल बोले, जी तुसी अगे आ जाओ। उठ के संगत पिछे वेखण लग पई, किहनूं बुला रहे ने महाराज? पातशाह ने कहा जसवंत राय जी तुहानूं कह रहे, तुसी अगे आ जाओ। गुरु चोरों नूं भी पिछों चुक के अगे बिठा लैंदा है, पर शर्त यह है तू गुरु कोल आके मन लै कि मैं चोर है। तू मन जाए कि तू चोर है, तैनूं गुरु पिछों चुक के अगे बिठा लेगा, यह गुरु की शर्त है। तैनूं एडमिट करना पेगा मैं औगणा नाल भरिया। ताइयों जदों सचखंड श्री दरबार साहब तो अमृत वेले हुक्मनामा आउंदा है, मुख वाक सुनाउण तों पहलां आ पंक्ति जरूर तब्या बैठे सिंह साहब कहणगे कि हम अवगण भरे एक गुण। तैनू एडमिट करना पैना, मनना पैना गुरु अंतर जामी, पर जदों तू मन जाए। अज चोर मने ते अठवें पातशाह बोले जसवंत राय जी तुहानू कह रहे अगे आ जाओ। हुण गुरु तक पौने 20-21 कदम की गल सी, वह 20-21 कदम शरीर मिट्टी हो गया, पानी हो गया, तुरया ना जाए। संगत वेखदी है ते साध संगत वो 21 कदमों में ऐ लगा जिमें 84 का भार मुक गया होवे। आउंदिआं श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के चरणां टैप, महाराज मैं चोर है, चोर दा अगे की कम है? महाराज मैं तो चोरी करन तुरिया होया तुहाडे दरबार, कोई पैसे चढ़ा रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई दान कर रहा है, महाराज मैं तो चोर है, चोर दा अगे की कम है? अठवें पातशाह ने प्यार विच आके कहा हुण तू चोर नहीं रहा जसवंत राय, यह गुरु नानक दा घर है। जे गुरु की दृष्टि पै जाए इत्थे चोर भी संत हो जाते ने, अमृत दृष्टि पै जाए चोर भी संत हो सकता है। साहब ने कहा पूरा गुरखे ओ जा का मंत्र, अमृत दृष्ट बिखे होए संत। अमृत भरी दृष्टि पाके क्या जसवंत राय बोल सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु ने चोर नहीं रहन दिता, जसवंत राय नूं संत बना दिता। साध संगत धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जिन्हां दे दर्शन कीतिआं आ फल मिलिआ। माफ करियो कल्ला शरीर दा दुख नहीं, सुरती दे दुख भी मिट जांदे ने। कल्ला इस जन्म का नहीं, जन्मां जन्मां दे दुख मिट जाते हैं। जन्म मरण तक का दुख निवारे, ये गुरु दे कोल वढाई है। सात संग वह जन्म मरण का दुख मिटा दिंदा है, पर कोई गुरु नूं लाइव हो जाए एक बार सीधा हो जाए गुरु वाल, गुरु नूं कह दे दाता आ कुछ मेरे विच औगण ने। फिर सात संगत ये ठीक है, राजा मिर्जा जय सिंह अंदरों 50% शरदा सी, 50% ये भी सी मैनू राजे ने कहा।
पर उन्हें मन भर के कह दाता जिहड़ा अद्धा क कच्चा रह गया हुण उहनूं भी पक्का कर दिया। ये सतगुर ने नदर कृपा की। राजा मिर्जा जय सिंह नूं गुरु ने 100% पका दिता ते जिहड़ी चीज़ अंदर उहदे महाराणी दे पटराणी दे अंदर रह गई कि परख तां लवां यह गुरु है भी कि नहीं, शंका हो जांदा। गुरु वो है जिहदी वडियाई साहब ने बचन कहा कोई भरम रहन ही नहीं दिंदा। गुरु जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कहिए, मन की दुविधा बिन सजाए हर परम पद लईए। फुटो अंडा भरम का मने भया प्रगास, गुर कट्टी बेड़ी पगे ते किन्नी बंद खलास। छटी रख के सर ते साहब ने कहा ये भी नहीं राणी, ये भी नहीं राणी, ये भी नहीं राणी। जदों उहदे कोल आए इक्को गल कही, बेटा जिहनूं रब ने राणी बनाया होवे उहनूं नौकरानी नहीं बनना चाहीदा। तैनू रब ने राणी बनाया, नौकरानी क्यों बनी है? चरनी ढह पई ऐसी शरदा अंदर प्रेम नाल जागी। मैं कई बार बेनती करदा हुंदा दुनिया में वड्डे वड्डे राजा ने किले बनाए, महल बनाए, बंगले बनाए, अरबां रुपया लगा तुहाडे सामने ताज महल, लोग वेखण जांदे ने, कबूतर बोलदे ने, पंछी उड़दे ने, बिठां हुंदियां ने। दुनिया में साध संगत वड्डे वड्डे राजा ने किले बनाए, महल बनाए, वक्त पै के राजे मर गए, वो किले ते वो महल खंडर हो गए। दुनिया में इको एक बंगला है जिन्हों अज दुनिया बंगला साहब करके पूजती है। वो पता क्यों? उत्थे मेरे साहब गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के चरण पे वो आम बंगला भी अज बंगला साहब हो गया। समा समाप्त है। अपन गुरु दी वडियाइयां, मेरी हाजरी कल सवेरे भी इत्थे है, उस तों बाद एक हाजरी होर है फिर रात दी फरीद इत्थों फरीदाबाद है। समा समाप्त हो गया तो आप एक गुरु के चरणों में प्यार नाल पंक्ति पढ़ लईए। हे दाता तेरे दर्शन कीतियां दुख मिटदे ने, तैनूं ध्यायां दुख मिटदे ने, पर एक साध संगत ये अंदरों सच करके जाण्यो ध्या भी हो सकता है जिते गुरु की नज़र होवे, नहीं तो ध्या ही नहीं सकते। जे सबनों ध्याना आता हो सारे दे दुख मिट जाने चाहिए से। जे सबनों गुरु दर्शन करने आते हो आप सारे सुखी हों। दर्शन करने ध्याना अपने वस की गल नहीं, गुरु नूं कह के जायो दाता सानू ध्याना सिखा दिओ। गुरु हरकृष्ण साहब ध्याई का किवें है महाराज? गुरु हरकृष्ण साहब ध्याई का किवें है? ये साडे ते कृपा तरस कर दिओ। इत्थे एक परिवार है, थोड़े दिन पहला मैं हाजरी सी बंगला साहब जी, वो सज्जन संघ शायद आई होवे, उन्हां दे असीं ग्रह गए। तिन्ने जी ने बेटा है ते दोवें वो वाइफ हसबैंड ने, उहदे हसबैंड नूं करोना हो गया। तुहानूं पता किदां दे दौर विचों दुनिया लंघी है, लंघ रही है। गड्डी उन्होंने कोल नहीं, आटो वाला कोई आवे ना, आंढ गुआंढ कोई मदद ना करे, रिश्तेदार सकियां ने कह दिता भाई कॉल कर दो एम्बूलेंस, एम्बूलेंस तो कितने आ रही थी। वो जिथे भी फोन कर अगे उहदी ऑक्सीजन घटती जाए, वह बड़ा दुखी, उहदे कोल ना कोई जाए। तो जिहड़ी उहदे घरों है ना बीबी, वो बड़ी भावना वाली है। हर सिख ने अपने घर में तकरीबन दिल्ली धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज का स्वरूप फोटो घर में लाई है। तुसीं याद कर दिओ, प्रेम है, जोत इक्को ही है। दरबार साहब जाओ तुहाडी रसना तो आपे निकलदा धन गुरु रामदास जी। वह माई कहिंदी फिर रस्ता नहीं कोई रहा, जदों सके ना कोई आए, एम्बूलेंस ना आवे। इंज लगा बेटा भी मेरा कहन लग पिया कि मम्मा तुसीं पापा तो परां रहो, 90% उन्हें मन लिया, इनू हुण नहीं बचा सकता कोई। उन्हें आप भी कह दिता कि मैं तो मेरा माड़ा मोटा पुछ लो जो कुछ है, भी कम हुण मैं नहीं बचना। तो आप वो भैन जी दसन तो वह कहिंदे को रस्ता रह गया। एकदम सुरत विच आया जाके घर जिहड़ी फोटो लगी ना गुरु हरकृष्ण साहब महाराज धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, जाके सी झुका के रो पे पला अड के, दाता तू तो वड्डे वड्डे दुख हटा दिना साडा, हुण कोई नहीं, तुसीं कृपा तरस करो। उत्थे उन्हें जल रखे है ते साध संगत उन्हें अरदास करके माई ने रो के गुरु नूं त्या के देखो ध्याना आ जाए किसी नूं, दुख तो ऐ मिटदा, ध्याना ही नहीं आउंदा सानूं। उहदे लई गुरु अगे अरदास करनी पे। जदों उन्हें त्या के अखां भर के रो के कहा दाता हुण तेरे बगैर होर कोई नहीं, वह जल लिया के उन्हें घर वाले नूं शिकाया। जिहड़ी दवाई किसी ने दसी सी मैडिसन देण लग पए, 2.5 घंटिया बाद उही बंदा घरवाली नूं कहिंदा हुण नहीं मरदा, मैनूं लगदा मैं ठीक हो रहा।
किसी हॉस्पिटल नहीं गए, कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं लिया, जिहड़ी दवाई घर में सी उस दवाई नाल सा संगत ढाई घंटे बाद कुछ होर, राती 8 बजे हालात कुछ होर, कल सवेरे उठ के उन्हें आपे इशनान करके कहा मैं बिल्कुल ठीक है। अज वो बंदा वधिया तंदुरुस्त है जे गुरु नूं ध्याना आ जाए, गुरु सात संगत ते चीज़ां रहन ही नहीं दिंदा। तुसी भागां वाले हो, आओ एक बार गुरु नूं तरला लैके कहीए दाता कृपा करो असी तुहानूं त्या सकीए, इसो जी बख्शो। गज के प्यार नाल कहो फिर समाप्ति है, सारे प्यार नाल आखियो श्री हर कृष्ण ध्याईए, श्री हर कृष्ण ध्याईए, श्री वाह वाह श्री हर जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हर कृष्ण ध्याईए, श्री हर कृष्ण ध्याईए, जिस डिठे सब दुख श्री हर कृष्ण ध्याईए, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरे कर नौ निदा वे ताए, सब थाई हुए सा सतगुरु कृपा तरस करन, तुहाडी हाजरी प्रवान होवे असीस दिओ, असी कल्ले कहण जोगे ना रह जाइए, तुहाडी चरण धूड़ नाल असी भी जीवन विच कमा सकीए, तां जो ये जीवन जन्म सतगुरु दे चरणां विच लिखे विच लग सके। समूह संगतां दा धन्नवाद, कोटानकोट शुक्र, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीआं दा, और बहुत धन्नवाद है समूह प्रबंधकां दा, वीर अमरजीत सिंह जी, पिंकी वीर जी, उन्हां दे सपुत्तर भाई पाहुल सिंह जी, और समूह नाल दे सहयोगी वीरां दा जिन्हां तों सतगुरु सेवा लै रहे ने, इस तरह पातशाह तों सेवा लैण, दसरे नूं इत्थे छुट्टी बख्शो, भुल चुक दी खिमा बख्शणी, असीस दिओ ते गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।